जानते हैं जो पीछे था ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आई होप आप मस्त होंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं चांसू का रिजल्ट लाने। मेरा भाई, छोटा भाई गाइस, इसी का रिजल्ट लाने जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, इसका रिजल्ट लाने जा रहे हैं। आज इसका रिजल्ट डेट है। तो मैंने अमित भैया को कॉल कर दिया, वो खाना खा रहे, खाना खा के बाहर आएंगे, उनके साथ ही मैं चलूँगा। उनके भी भाई का रिजल्ट लाना है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फाइनली गाइस अमित भैया आ चुके हैं और वो दो बच्चे भी आ सके, मेरा भाई और अमित भैया का भाई। तो जा रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये अमित भैया, ये मेरा भाई प्रियांशु, वो मिट्टू अमित भैया का भाई है। तो गाइस हम जा रहे हैं रिजल्ट आने। अगर इन लोगों का रिजल्ट आया 75% से कम आया तो घर में पूरा ठुकैया होगा गाइस इन लोगों का। तो भाई जी, सब बच्चा नहीं है, ये सब बहुत बवाल बच्चा है, सबसे दूर रहिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी वाटर बोर्ड। गाइस देख सकते हो जो मेरे पीछे है, ये बहुत बड़ा टंकी है गाइस, पूरा झरिया या धनबाद का बोले तो पानी यहीं से सप्लाई होता है गाइस। यहाँ पर ये देखिए, यहीं से पानी सप्लाई किया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप बिल्ली घर गाइस, और ये पूरा टंकी है गाइस, ये पूरा अंदर से खोखला है, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ गाइस। हम लोग यहाँ पर पहले प्रणाम कर लेते हैं, थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं गाइस, क्योंकि कहीं निकलने से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेना चाहिए, बहुत बढ़िया होता है। हेलो, लक आपके साथ रहेंगे। चलो देखो, ये टंकी बहुत बड़ा है, बाप रे। नयन गाइस, तो अभी हम लोग के साथ एक पोपट हो चुका है, हम लोग के साथ एक और बंदा आ रहा है, नयन जिसका नाम है, वो भी हम लोग के साथ चलेगा रिजल्ट आने। बट उसको वहाँ कुछ पढ़ता नहीं है, बस फ्रेंडशिप है, वो नहीं जाएगा, उसको काम है, नहीं जाएगा, यहाँ काम है, आ रहा है बस वो यहाँ तक आएगा गाइस, उसके बाद चले जाएंगे। तो रुकते गाइस थोड़ी देर। अरे तो गाइस नयन आ चुका है, देख सकते हैं नयन को आ चुका है, और ये भी जा रहे हैं हम लोग साथ रिजल्ट आने। बहुत गर्मी हो रखी है गाइस, इतना गर्मी है ना, क्या ही बोले, हालत खराब है। तो हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाएंगे पैदल गाइस। यार 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मेरे को कोचिंग है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ। देख सकते हो अमित भैया कितना धीरे धीरे मोबाइल चलाते हैं, स्लो स्लो, बहुत ही लेट कर रहे हैं, फटाक से भी निकलेंगे। ये बहुत धूप हो रखी है तो हम लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और बच्चे लोग साथ में तो बहुत समझ गया हूँ यहाँ पर, और ये आयुष का हाँ गाइस, जो 75% से ज़्यादा लाएगा आज उसको मेरे तरफ से शाम को पार्टी, और दोनों में से कोई नहीं लाया तो किसी को कुछ नहीं खिलाने वाला आज मैं। अगर ये 75% तो मैं इसको 2 सिंघाड़ा, या ये लाएगा तो इसको 2 सिंघाड़ा खिलाऊंगा। तो गाइस अभी हम तो यहाँ इधर NH में हम लोग पहुँच गए, इधर पूरा मुसलमान एरिया गाइस। तो वैसे कुछ बात नहीं है गाइस, बस हम लोग सब मिलजुल के ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा डर लगता है, इसलिए हम कभी या किधर भी जाते हैं ना ब्लॉग व्लॉग बनाने, या फिर कहीं भी जाते हैं तो या तो हम जो को ले लेते हैं, या तो फिर मनीष रहता है मेरे साथ, या ये नयन रहता है, मतलब मेरे साथ कोई ना कोई रहता है गाइस। अभी अभी जा रहे हैं, फ़ोन चलाना उन्होंने अभी बंद किया, क्या कर रहे हो अमित भैया, चलो ना, फ़ोन कितना चलाओगे। तो फाइनली स्कूल पहुंच चुके हैं, थोड़े से दूर में है स्कूल, और देख सकते हो गैंग की तरह ये लोग चल रहे हैं चारों। अमित भैया बहुत पीछे थे बट कवर कर लिए हम लोग को दौड़ दौड़ के, लोग नहीं चल के किए, हाँ चल के वही दौड़ के। जानते हैं जो पीछे था, ये वाह
रहा नहीं जाता, तड़पी ऐसी है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो समझ सकते हो गाइस आप लोग, बहुत धूप में चला के पैदल ले जा रहा है। डोनेशन दे देना गाइस, एक रुपया अमित भैया आपको गाइस एक रुपया डोनेशन देंगे। थैंक यू सो मच ब्रो, एक एक शब्द हो सब हम लोग का पूरा हो जाएगा जितना ऑडियंस। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और अभी जाएंगे स्कूल, रिजल्ट लेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे। आज घर में तो पिटैया निश्चिंत है बाबू आप लोगों की, रिजल्ट जो आ रही है। अभी फाइनली स्कूल पहुँच चुके हैं और देख सकते हो तो गाइस हमने 5 तक यहीं पे पढ़ाई की है। इस स्कूल का नाम है शिव कली शिशु विद्या मंदिर और अमित भैया 8 तक पढ़े थे इस स्कूल में। तो हम लोग एंट्री ले रहे हैं। क्या हुआ? चल hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. Guys finally हम लोग के साथ पोपट हो चुका है आज टाइम में। यार दिन भर से आज हम लोग का पोपट ही पोपट हो रहा है, पता नहीं यार क्या हुआ है, आज दिन ही खराब था हम लोग का। तो अभी हम लोग आए थे, सर बोले कि रिजल्ट कल मिलेगा, अब कल आना पड़ेगा इन लोग को स्कूल, इन लोग स्कूल आएंगे तब इन लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो कल हम लोग आएंगे गाइस फिर से रिजल्ट लेने, आज तो इन लोग ठोकैये से बच गए। तो गाइस हम लोग चलेंगे अपने स्कूल की तरफ से। किधर से चलना है अमित भैया, अपने स्कूल से तरफ से चलेंगे या रूट से? तो अमित भैया बोले कि अपने स्कूल की तरफ से चलेंगे। हम लोग का एक दोस्त मिल चुका है और मेरे पीछे जो स्कूल है गाइस वो है कैमएस सुसुविया, और सुसुविया और कैमएस ज्वाइन हो गए। इधर स्कूल ही स्कूल है गाइस, इधर अब सुसुविया के बाद हम लोग का स्कूल आ गया। ये झरिया रास्ता स्कूल, पहले हम ही लोग का घर के पास था लेकिन अभी इधर आ चुका है ये स्कूल, क्योंकि उधर भूदसान क्षेत्र और ज़मीनें धस रहे थे गाइस, इसीलिए इधर स्कूल बुलाया गया। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ता में एक बहुत ही खतरनाक चीज दिखा गाइस, अभी वो होगा तो आपको दिखा दूंगा गाइस। वो मुर्गा है गाइस, जो मालूम है बहुत मस्त दिखता है, देखो गाइस बहुत अजीब अजीब तरह के मुर्गे हैं इधर। वो मुर्गा नहीं है गाइस, बहुत मस्त लगता था वो, कुछ चाइनीज मुर्गा करके उसको बोलते थे गाइस, मालूम नहीं क्या, बट बहुत मस्त लगता था देखने में, सुंदर लगता था। गाइस अभी हमें एक बहुत ही मस्त चीज दिखी है, ये मतलब तालाब दिखा गाइस। मैं अपने गांव में रहता था ना, तो अगर ऐसे तालाब दिख जाता था तो मतलब नहा लेता था गाइस। अमित भैया बताएंगे अनुभव तालाब का, आपको तैरना आता है अमित भैया? हाँ भैया, कैसे तैरते थे? हाथ से। मैं तो गाइस साइड में एकदम बाल्टी उल्टी लेके साइड में नहाता था, उतना मुझे तैरना तो आता नहीं था, तो मैं जाता नहीं था, मामा हो गया भाई लोग जाते थे। आप ये तो कैसे नहाते हैं वहाँ पे भी गाइस? मैं नीचे पूरा नहीं जा रहा था, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा साइड पे नहा लिया था। अमित भी अंदर पूरा चल जाते हैं, वहीं से नीचे नीचे से अंदर चले जाते हैं, मुझे मालूम नहीं किसी तरह तो जाता जाए गाइस। मैं नीचे डूबता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आगे तक चल गया, बट निकलता तो वहीं पे रहता हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही है, उधर पंडाल उंडाल बन रहे हैं, पूरा मस्त लग रहा है गाइस। इस बार जानते हो गाइस दुर्गा पूजा का भी आप लोग पंडाल का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मज़ा आता है गाइस ब्लॉग बनाने में। तो फाइनली गाइस हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं और घर भी पहुंच ही जाएंगे थोड़े से दूर पे घर। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो गाइस फिर से पोपट हो चुका है अमित भैया के साथ और चोट लग चुका है इनको। तो और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो ब्लॉग को करते हैं एंड।